with you. अपने दादी सा को बताया क्यों नहीं कि मैं और अरमान पहले से एक दूसरे से प्यार करते थे? क्योंकि अरमान ने रोहित के लिए अपने प्यार की कुर्बानी दी और इस बात को सिर्फ मैं ही समझ सकती हूँ। तेरे बच्चे को एक माँ से बेहतर और कौन समझेगा? माँ से नहीं समझती और घर के बाकी लोग भी नहीं समझते। और बेटा, मैं नहीं चाहती थी कि सबके सामने तुम बुरी बनो, इसीलिए थैंक यू। पर अरमान तो यहाँ है ही नहीं, पूरे रास्ते उसने मेरा फोन भी नहीं उठाया। हाँ, लगता है कोर्ट गया होगा, पर कोई बात नहीं, इतना इंतजार किया है तो थोड़ा सा और सही। पर आज जब शाम को वो घर आएगा तो उसे मैं ये बात पर्सनली बताऊंगी, खुद ये खुशखबरी उसे दूंगी। क्या बात कर रही हो विद्या, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? अरमान और रूही की शादी, क्यों इसमें प्रॉब्लम क्या है? अरे अरे क्या, दोनों हमारे घर के बच्चे हैं, दोनों अकेले हैं, दुखी हैं। अरे एक साथ मिलकर अगर सुख बांट लेंगे तो इसमें आपको क्या दिक्कत हो रही है? नहीं भाभी साहब, इस बात में मैं माधव भाई साहब के साथ हूँ। और मासा, मेरी राय में रूही की शादी किसी और घर में करा के उसे यहाँ से विदा करना चाहिए। वैसे भी मुझे मनीष गोयनका और उसके परिवार से कोई मतलब ही नहीं रखना। माफ कीजिए, पर आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को बीच में ला रहे हैं। रूही और अरमान, उन दोनों का तालमेल बहुत अच्छा है, दोनों शांत स्वभाव के हैं, तो मुझे लगता है कि काजल दीदी, ये लाइफ है, कोई साइलेंट फिल्म नहीं है कि दोनों शांत है, दोनों की शादी करा दो। मतलब मनीषा, तुम अबीरा को चाहती हो, है ना? वो लड़की जो अरमान से दिन में 4 बार लड़ती है, वो दोनों एक दूसरे से बहुत अलग है मनीषा। पर जेठानी साहब, इसीलिए तो दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट है, वो परफेक्ट जोड़ी है, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। मीनू सही कह रही है भाभी साहब, पति पत्नी में अलग अलग खूबियां हो तो एक दूसरे की कमियों को पूरा कर सकते हैं। और सॉरी भाभी साहब, मुझे तो ये कि वो दोनों अकेले हैं, उन्हें एक कर दो का लॉजिक भी समझ नहीं आया। क्यों नहीं पापा? और क्या, अगर अरमान भैया की लाइफ में अबीरा भाभी की जगह रूही भाभी ले ले तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? तुम लोग अजीब हो, इतनी आसानी से कोई किसी की जगह ले लेता है क्या? अबीरा भाभी घर से जा रही है कृष भाई, अगर रूही भाभी की अरमान भैया से शादी नहीं हुई तो हम उन्हें भी खो देंगे। करेक्ट। अरे तो रूही भाभी को उनके ससुराल में मिल लेना ना, यहाँ अपने कन्वीनियंस के लिए अरमान भैया और बस। सबने राय दे दी, अब फैसला हम लेंगे, हमें इसके बारे में सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को।